Hi guys, assalamu alaikum and welcome back to my YouTube channel. I hope you're all doing amazing. आज की जो वीडियो है वो थोड़ी सी डिफरेंट होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में मैं करने लगी हूँ एक क्वेश्चन एंड आंसर सेशन. मैंने एक्चुअली इंस्टाग्राम पे क्वेश्चन स्टिकर डाला था और वहाँ पे मैंने अपने फॉलोअर्स को कहा था कि यू कैन ड्रॉप इन योर क्वेश्चंस. और यूजली जो लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं और जो लोग मुझे नहीं फॉलो करते हैं वो जाके फॉलो कर सकते हैं. आई लीव द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन. उन लोगों को पता है दैट आई हैव बीन थ्रू अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ जर्नी दैट आई शेयर ऑन इंस्टाग्राम. तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस थे तो ऑब्वियसली अब यूट्यूब फैमिली को भी पता चल जाएगा. तो एक एक करके हम लोग करते हैं क्वेश्चंस को स्टार्ट. अच्छा, जो सबसे पहला क्वेश्चन मुझे रिसीव हुआ है और ये मुझे बहुत दफ़ा पूछा गया कि आपका पहला सेशन कब हुआ था, कब आपको लगा था कि मुझे जाना चाहिए साइकोलॉजिस्ट साइकैट्रिस्ट वगैरह के पास. तो एक बड़ी फ़नी सी बैक स्टोरी है. मैं स्कूल में थी उस टाइम पे और मैंने मुझे अच्छे से ज़्यादा ओ लेवल्स करी थी और मैंने अपने पापा से कहा कि मुझे बहुत टेंशन सी हो रही है तो मैं ना साइकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहती हूँ. तो मेरे पापा ने मुझे कहा कि क्यों. मैंने कहा कि मैं वो आपकी बात सुनते हैं और वो आप वो जज नहीं करते और मैं बस उनके साथ अपनी टेंशन शेयर करना चाहती हूँ. तो उन्होंने मुझे उसका जवाब दिया कि पेरेंट्स से बड़ा तो कोई भी थेरेपिस्ट नहीं होता, तो पेरेंट्स के साथ आप कुछ भी शेयर कर सकते हो. और वो टॉपिक वहीं पे क्लोज हो गया. मैंने कभी सोचा भी नहीं क्योंकि कभी फैमिली में भी इस तरह से नहीं हुआ कि कोई इस तरह का केसेस तो ऑब्वियसली ऐसे होते हैं सिमिलर, लेकिन कभी नहीं सुना कि कोई साइकोलॉजिस्ट के पास गया थेरेपी लेने के लिए. हमेशा से यही सुना था कि पागल जाते हैं. आई एम ऑल्सो वन ऑफ यू गाइस. तो मेरा जो सेशन था वो इस तरह का था कि बिलाल आई वेंट थ्रू एन इमरजेंसी सी सेक्शन और मेरा जो सारा टाइम पीरियड था ना जो बेबी के साथ बॉन्ड करने वाला था वो मेरा सारा टाइम पीरियड हीलिंग में गुजरा था. मुझे बच्चे के साथ बॉन्ड करना चाहिए था, मैं नहीं कर पा रही थी बॉन्ड. आई वॉज जस्ट बिजी इन हीलिंग माई सेल्फ. तो आउट ऑफ नो वेयर आई डोंट नो ये जिसकी बैक स्टोरी बिल्कुल भी नहीं पता, बिलाल जो था वो 11 दिनों का था. एक दिन पहले मेरे स्टिचेस जो हैं वो खुले थे और पापा रैंडमली केम एंड ही सेड ओके सिंस यू डिसाइडेड दैट वी आर गोइंग फॉर डिवोर्स लेकिन आई जस्ट वॉन्ट यू टू गो सी दिस पर्सन. अब ही वॉज नॉट टेलिंग मी हु दिस पर्सन इज़. तो मैंने कहा मतलब हु इज़ दिस पर्सन ना, और अब कहाँ से मतलब आप इस तरह से कह रहे हैं. एंड देन ही टोल्ड मी कि ये कोई साइकोलॉजिस्ट हैं और हम लोगों को उनसे मिलना चाहिए. प्रॉब्लम ये थी कि मैं रोती रहती थी हर टाइम. माई पेरेंट्स वो मोर कंसर्न के ये रोती क्यों, अपने बच्चे को नहीं पकड़ती और इससे इसकी आने वाली ज़िंदगी में बहुत से मसाइल आ सकते हैं अगर हमने इस चीज़ को क्योर नहीं किया. तो आई थिंक वो उनका बहुत वाइज डिसीजन था और मैं हमेशा उसके लिए बहुत बहुत ग्रेटफुल हूँ. तो मैंने उनसे बड़े मेरे ना एक मुझे अच्छे से याद है मगरिब का टाइम था, नमाज़ पढ़ने के बाद मेरे पास बैठे और हम लोग बातचीत कर रहे थे. एक बड़ा अच्छा किस्म का ना डायलॉगबाजी हमारी चल रही थी और मैं पापा गई थी मैं पागल लगती हूँ आपको कि मैं साइकोलॉजिस्ट के पास जाऊँगी, और मुझे पापा कह रहे हैं कि नहीं पागल नहीं जाते, हमने सिर्फ उनसे बात करनी है. आई एम नॉट आस्किंग यू टू रिकन्सिडर योर डिसीजन, आई एम जस्ट आस्किंग यू टू गो एंड टॉक टू हर. मैंने कहा ठीक है. पापा कहते हैं मैं साथ हूँगा ना, मतलब जैसे यूजली फादर्स करते हैं. तो मैंने कहा कि अच्छा ठीक है. तो हम लोग चले गए और बिलाल 11 दिन का था. मुझे क्यों एग्जैक्टली ये बात याद है क्योंकि जब मैं गई आई वॉक्ड इनसाइड तो मुझे उनको बताना था कि मैं कहाँ से आई हूँ, मैं कौन हूँ, क्या नहीं. उन्होंने कहा आपके बच्चे हैं. मैंने कहा जी मेरा एक बेटा है. और मैंने फिर कहा 11 दिनों का, तो वो मेरी जो डॉक्टर है वो भी हैरान थी 11 दिनों बाद डिलीवरी के बच्ची हमारे पास आई हुई है. बट इस तरह की थी हमारी कोई ना पहला जो था सेशन. तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये है कि हाउ इट फील्स लाइक टू लिव विद डिप्रेशन, व्हेन डू यू नो दैट हाउ टू फिगर आउट एक्चुअली दैट यू आर इन डिप्रेशन. तो मेरा सिचुएशन कुछ इस तरह की थी कि मैं तो फिगर आउट कर ही नहीं पाई कि मुझे कोई मसला है, मैं डिप्रेशन में हूँ या नहीं हूँ. ये तो थेरेपिस्ट पे जाके पता चलता है ऑफकोर्स. और फिर अगर आप थोड़ी सी इंटरनेट पे रिसर्च करो तो आपको लगता है कि हाँ यार ये कहीं ना कहीं जो सिम्टम्स लिखे हुए हैं ना ये मेरे वाले सिम्टम्स हैं. अच्छा, तो मैं अपने सिम्टम्स आपको बताती हूँ. मेरा साथ जो सबसे बड़ा सिम्टम था ना, जो मुझे लगता है अब आके समझ आती है कि हाँ वाकई में ये दिस वॉज द स्टार्ट ऑफ डिप्रेशन, वो ये था कि आपका एक सडन आउटबर्स्ट होता है ऑन समथिंग दैट अदर्स अराउंड यू दे माइट कंसिडर कि बहुत छोटी सी चीज़ है तुम ऐसे क्यों रिएक्ट कर रही हो. ये मेरे साथ होता था. सेकेंड सिम्टम था वो ये था दैट यू फील आइसोलेटेड एट टाइम्स एंड इवन देन
यू डोंट वॉन्ट टू सोशलाइज, आप अकेला फील कर रहे हो, तो क्या मेरी लाइफ में कोई हैपनिंग नई चीज़ हो रही, कोई मैं किसी से मिल गिल नहीं रही हूँ, लेकिन फिर भी आप मिलना भी नहीं चाहते हो लोगों से, आप लोगों को फेस नहीं करना चाहते हो, शायद आप में वो कॉन्फिडेंस आपका इतना शेक हो गया होता है, आप कंसिडर करते हो इस चीज़ को कि हाँ आई एम आइसोलेटेड, बट इवन देन यू डोंट वॉन्ट टू सोशलाइज. अच्छा, और इसके अलावा ना मेरे साथ ये होता था कि आई फेल्ट लाइक माई बॉडी नीडेड टू रेस्ट, इट नीड्स टू स्लीप मोर, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे दिन होते थे कि कुछ ऐसे दिन होते हैं दैट यू माइट एंड अप नॉट स्लीपिंग एट ऑल. आई एम सीरियस, आपको लगता है कि मुझे बहुत ज़्यादा नींद की ज़रूरत है, बट आपको नींद आ नहीं पा रही होती, आप आ नहीं पा रही होती, तो इस तरह की ना अजीब सिचुएशन होती है, और ऑब्वियसली आप वो किसी को एक्सप्लेन नहीं कर पाते हो कि मैं सो रहा था और मैं नहीं सो रहा था एक्चुअली. इसके अलावा ना एक वो अजीब सी आपकी कैफियत होती है कि यू आर नॉट एबल टू कम्युनिकेट इट टू यू पीपल, यू आर नॉट एबल टू कम्युनिकेट इट टू द पीपल अराउंड यू दैट आई एम फिजिकली फाइन बट माई माइंड इज़ जस्ट नॉट देयर. इसके अलावा आपकी एनजाइटी, आपकी डिप्रेशन का आपके वेट पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है, तो यू फील रियली अशेम्ड ऑफ योर एक्सेसिव वेट गेन और वेट लॉस. मेरे केस में इट वॉज वेट गेन. और एक जो मैं मुझे लगता है कुछ चीज़ें भूल भी नहीं होंगी ऑब्वियसली, लेकिन एक जो बहुत कॉमन सिम्टम था वो मैंने बाद में आके नोटिस किया कि मेरे साथ ऐसे होता था, वो ये था कि आई नेवर फेल्ट लाइक चेंजिंग क्लोथ्स फॉर आई डोंट नो आई 4-5 days. मुझे मामा कहती थी कि तुमने कपड़े नहीं चेंज किए, तो वो आपका ना आप यू डोंट कंसिडर योर सेल्फ दैट यू आर ब्यूटिफुल और यू नीड टू यू नो ग्रूम योर सेल्फ और थोड़ा सा प्रेजेंटेबल लगना, वो वाली चीज़ डिप्रेशन की वजह से ना, बिकॉज यू आर गोइंग थ्रू डिप्रेशन, तो वो चीज़ नहीं रहती आपके अंदर. यू माइट गो डेज विदाउट चेंजिंग क्लोथ्स एंड इवन विदाउट टेकिंग शावर. दीज थिंग्स माइट साउंड वेरी वियर्ड टू मेनी ऑफ यू ऑफकोर्स जो इस चीज़ से नहीं गुजरे, लेकिन जो लोग गुजरे हैं वो रिलेट कर सकते हैं कि बिकॉज योर माइंड इज़ नॉट देयर, तो आप पता नहीं लगता कि आप आपके साथ ये सब क्या हो रहा है अनलेस यू गो फॉर थेरेपी. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ चैलेंजिंग इट वॉज फॉर मी टू कंटिन्यू स्टडीज आफ्टर एवरीथिंग दैट आई हैव एक्सप्लेन्ड. तो इट वॉज वेरी चैलेंजिंग, मैं बता नहीं सकती आई थिंक, और मैं मुझे मेरा याद भी करने को दिल नहीं करता समटाइम्स कि किस तरह से वो सारी चीज़ें हुई हैं. जब आप एक चीज़ से गुजर रहे होते हो ना, तो आपको लगता है कि यार ये तो दुनिया का सबसे मुश्किल तरीन फेज़ है, मेरी ज़िंदगी का सबसे मुश्किल तरीन फेज़ है, और ये गुजर नहीं सकता. लेकिन फिर वो टाइम गुजर जाता है और फिर आप अपने आप को कहते हो कि यार अगर वो चीज़ गुजर सकती है, वो डिफ़िकल्ट फेज़ गुजर सकता है, तो लाइफ में कुछ भी हो सकता है. तो मेरे साथ इस तरह की एक वो सिचुएशन थी, जब मैंने दोबारा से पढ़ाई कंटिन्यू की ना, तो अभी थिंग्स वर नॉट सेटल्ड आउट कोर्ट वाइज, लेकिन मेरे अबू को पता था कि क्योंकि मैं पहले भी पढ़ रही थी, तो मेरे अबू को इस चीज़ का बहुत अंदाज़ा था कि मुझे मैं पढ़ना चाहती थी, और मेरे अंदर वो अर्ज थी कि यार मैं पढ़ूँ कुछ करूँ लाइफ में ना, करियर वाइज भी एंड एवरीथिंग. तो मेरे अबू ने मुझे बहुत मोटिवेट किया, मेरे पापा ने लाइक यू ऑल नो हिम, उन्होंने मुझे कहा कि आई एम डीलिंग विद एवरीथिंग ऑल द कोर्ट मैटर्स, तो आप पढ़ो. और उसके साथ साथ मेरे थेरेपी सेशंस भी चल रहे थे, और बड़ी बाकायदगी से ही यूज़ टू कम बैक फ्रॉम ऑफिस, और मैं समटाइम्स कहती थी कि क्योंकि शुरू में जल्दी जल्दी हमारे सेशंस हो रहे थे वीकली 15 डेज़ बाद और 20 डेज़ बाद इस तरह से, तो मेरे अब्बू जो थे मैं समटाइम्स कहती थी कि मुझे ज़रूरत नहीं है जाने की, तो वो मुझे ज़बरदस्ती लेके जाते थे कि नहीं तुमने जाना है, और कोई बात नहीं मैं पैसे दे रहा हूँ. मेरे पापा का मुझे अच्छे से याद है, वो मुझे ये कहते थे कि मैं पैसे दे रहा हूँ तो कोई बात नहीं, बस बात ही तो करनी है, हमने बातचीत ही तो करनी है. तो मेरे साथ साथ थेरेपी सेशंस चल रहे होते थे, इधर मेरे दूसरे मामलात पापा देख रहे होते थे, और मेरी जो है पढ़ाई स्टार्ट करा दी थी. आई स्टार्टेड विद BSc अकाउंटिंग एंड फाइनेंस दैट आई एम स्टिल डूइंग एंड इट्स ऑलमोस्ट डन. सो आई एम रियली प्राउड ऑफ हिज डिसीजन एंड माई ओन एज वेल कि मैंने राइट टाइम पे विदाउट वेटिंग एनी फर्दर तो मैंने इस चीज़ को कंटिन्यू किया. चैलेंजिंग बहुत था क्योंकि मैं उस टाइम पे मेरा कॉन्फिडेंस इतना शेक हुआ हुआ था, और कोई भी इस सिचुएशन से गुजरे ऑफकोर्स तो वो उसका एक जो होता है वो यू नॉट द सेम पर्सन, यू नो यू नॉट द सेम पर्सन दैट यू यूज टू बी बिफोर दैट ट्रामा हिट यू. तो मैं मुझे था कि पता नहीं मैं लोगों को फेस कर सकूँगी या नहीं, और थैंक गॉड मैं शुक्र अदा करती हूँ, करना तो नहीं चाहिए वैसे, लेकिन उस दौरान कोविड आ गया था और जो पढ़ाई है सारी वो ऑनलाइन शिफ्ट हो गई थी, तो मेरे जो पहले दो सेमेस्टर्स थे ना वो ऑनलाइन गुजरे थे. तो मैं फ़ेस टू फेस तो इंटरेक्शन थोड़ी सी डिफ़िकल्ट हो जाती है ऐसी सिचुएशन में, लेकिन मेरी फ़ोन पे काफ़ी लोगों के साथ ना मेरी दोस्ती हेलो आई हो गई, तो मेरी कुछ हद तक जो है ना सोशल एन्जाइटी वो कम हो चुकी थी ऑन कैंपस जाने से पहले. फिर बाकी विद टाइम एवरीथिंग यू नो सब कुछ चेंज हो जाता है,
और जब मैं यूनिवर्सिटी गई तो मुझे एक बिल्कुल डिफरेंट एनवायरनमेंट मिला. मैं यूनिवर्सिटी जाके दोस्तों के साथ जाके ना मुझे मुझे ये फील हुआ कि यार अगर मैं घर पे बैठी रहती ना तो लिटरली मैं मेरा दिमाग ख़राब हो जाता और मैं बहुत बहुत परेशान रहती. मैं मेरे पास और कुछ करने को ही नहीं था, मेरे पास और कुछ सोचने को नहीं था और मैंने ऑल द वे वही चीज़ों को बार 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 सोचना था. तो इट वॉज़ रियली इट वॉज़ समथिंग दैट आई एक्चुअली नीडेड. और अल्लाह भला करे मेरे अब्बू का, मेरी अम्मी का, जिन्होंने इस चीज़ को मैं कहती हूँ कि कंसिडर किया कि बाकी सारे मामला दुनिया के एक तरफ, दुनिया को हम देख लेंगे, तुम बेटा अपना पढ़ो और तुम अपनी ज़िंदगी बनाओ. और क्योंकि ऑब्वियसली अल्टीमेटली इसका फ़ायदा तुम्हें भी है, तुम्हारी औलाद को भी है. तो अल्हम्दुलिल्लाह मिलियन टाइम्स. अच्छा, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. आई एम रियली एंजॉयिंग इट. अच्छा, तो एक क्वेश्चन है, डिड यू टेक थेरेपी? यस आई डिड, आई वेंट टू अ साइकोलॉजिस्ट. अब मैंने वो सेशन का बता दिया ना कि 11 दिन का था, मेरा बेटा छोटू सा था जब मैं गई थी सेशन के लिए. तो हम लोग गए थे कासिम अली शाह फाउंडेशन, आप लोगों को पता ही होगा. वो मैं उनकी स्पीचेस सुनती थी और मेरे अबू को भी काफ़ी वो काफ़ी इंस्पायर्ड थे उनसे. तो हम लोग उधर गए थे उनसे काउंसलिंग लेने के लिए. लेकिन जब हम उधर गए तो हमें पता चला कि वो इस तरह से वॉक इन पेशेंट्स को ना डील नहीं करते, यू हैव टू टेक अपॉइंटमेंट्स और वो बड़ा एक लंबा प्रोसीजर है. तो फिर उन्होंने हमें रिसेप्शनिस्ट ने कहा कि वी हैव एन अदर साइकोलॉजिस्ट ऑन बोर्ड एंड दैट्स एंड शी इज़ अ फीमेल, तो आपकी बेटी जो है कम्फर्टेबली बात कर लेगी. तो फिर हम उनके पास गए, हमने अंदर उनके साथ बातचीत हुई. साइकोलॉजिस्ट जो हैं वो केसेस टू केसेस वेरी करते हैं, बट जो लॉयल होते हैं वो आपको मेडिकेशन की तरफ नहीं लेके जाते. लोगों का ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि यार ये फलाना बद्दा साइकोलॉजिस्ट के पास जाता है तो ये तो दवाइयों पे होगा और दवाइयों के बगैर इसको नींद नहीं आती होगी. मेरी अल्हम्दुलिल्लाह शी इज़ अ वंडरफुल वुमन. मैंने बहुत लोगों को रिकमेंड किया अपने इंस्टाग्राम से भी, अपने दोस्तों में भी, जिसको भी मुझे लगता था कि यार क्योंकि मैं इस चीज़ से गुजरी हूँ तो मेरे लिए ये आइडेंटिफाई करना आसान होता है कि इस बंदे के जो सिम्टम्स हैं ना दे आर क्वाइट सिमिलर टू माइन, तो यू शुड गो सीक थेरेपी. बिकॉज समटाइम्स आप वो बातें अपने पेरेंट्स के साथ, अपने बहन भाइयों के साथ कर नहीं सकते हो, तो यू नीड टू गो टू अ थर्ड पर्सन. और थेरेपिस्ट से बेहतरीन शख्स कोई नहीं हो सकता. अगला क्वेश्चन है जी, हाउ डू यू मैनेज योर लाइफ बीइंग अ पेरेंट एंड अ स्टूडेंट? तो इसमें मेरी फैमिली का बहुत बड़ा रोल है. यू गाइस सी दैट ऑन अ डेली बेसिस ऑन इंस्टाग्राम. आई गो टू द यूनिवर्सिटी, आजकल थोड़ा सा चिल सीन चल रहा है. आई गो टू द यूनिवर्सिटी और मेरी अम्मा जो हैं उनका बहुत बड़ा रोल है, वो मेरे बेटे का के पीछे से सारी टेक केयर करी होती हैं. और एक्चुअली इट टेक्स अ विलेज टू रेज अ चाइल्ड, वो कहते हैं, तो बिल्कुल ठीक कहते हैं, क्योंकि इस सब में सब लोगों की बहुत कॉन्ट्रीब्यूशन है. मेरे बहन भाई, मेरे अम्मी अबू का तो स्पेशल 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 नाम है, सबसे ऊपर टॉपिंग द लिस्ट. पर हर बंदा, ऑल द हाउस हेल्प एंड एवरीबडी, लाइक आई एम नॉट अलोन. मैं सिर्फ स्क्रीन के सामने मैं हूँ लेकिन मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे पीछे पूरी एक फ़ौज है जो मुझे चला रही है. और मेरे बेटे को प्यार मिलता है, उसको वो सब मिलता है जो एक बच्चे को चाहिए. और जहाँ पर कुछ चीज़ें नहीं हैं ज़िंदगी में, तो वहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनके होने से जो चीज़ें नहीं हैं उनकी महरूमी का बिल्कुल भी शिकार एक शख्स नहीं रहता. तो आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर दैट. और ये डिग्री बस मेरी ख़त्म होने वाली है, आप लोगों को बताते बताते ही देखें मेरा बेटा भी बड़ा हो गया माशाल्लाह, और ही विल बी टर्निंग 4 दिस ईयर. इट्स सच अ डिफरेंट फीलिंग. और मेरी डिग्री भी ख़त्म होने वाली है, तो बस इसी तरह ही है. अच्छा, अगला क्वेश्चन है, हाउ टू कम आउट ऑफ दिस फेज? आई थिंक आई डोंट नो हाउ टू पुट दैट इनटू वर्ड्स. लुक, इवन इफ़ यू गो फॉर थेरेपी, थेरेपिस्ट ने कोई जादू नहीं करते ना कि आप लोग आज उसके पास गए हो तो अब द वेरी नेक्स्ट डे यू आर लिविंग अ हैप्पी लाइफ और ये सब सारा. नहीं, इट टोटली डिपेंड्स अपॉन योर ओन एफर्ट एंड ऑब्वियसली विद द पीपल हु लिव अराउंड यू, हु यू लिव विद. अब आपकी कितनी विल पावर है, आप कितना उस चीज़ से निकलना चाहते हो, ये ज़्यादा मैटर करता है. ओह माय गॉड, दरवाज़ा खोलने में डर गई. आपकी कितनी विल पावर है और आप उस चीज़ से बाहर निकलना चाहते हो, या आप उन्हीं चीज़ों, आप उन्हीं मेमोरीज़ को ख़ुद को हॉन्ट करने देना चाहते हो, तो ये चीज़ बहुत मैटर करती है. और अभी भी इट्स बिन सो लॉन्ग, आई मीन इट्स बिन आई डोंट इवन रिमेंबर, इट्स बिन मोर देन 4-5 ईयर्स. और 2 साल मैं थेरेपी लेती रही हूँ. बट इवन राइट नाउ अगर मुझसे पूछो कि हैव यू ओवरकम डिप्रेशन, हैव यू यू नो कम आउट ऑफ दैट फेज, तो मैं कहूँगी कि नहीं यार, नॉट टोटली, नॉट इंटायरली, बिकॉज इट कीप्स कमिंग बैक. बट यू ओनली नीड टू लर्न द आर्ट ऑफ डीलिंग विद इट. लाइक
I hope I'm able to put I'm able to make you guys understand what I'm trying to say. कि इट कीप्स कमिंग बैक. मेरे इतने सालों के बाद भी मुझे ऐसा लगता है कि यार डिप्रेशन स्ट्राइक कर रहा है. कुछ ऐसा हो जाता है, कोई ऐसी बात हो जाती है, कोई ऐसी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, कोई ऐसी जगह होती हैं जो आपको वो सब याद कराती हैं जो आप याद नहीं करना चाहते हो. और कभी कुछ नहीं भी होता तो आप उस फेज में चले जाते हो. तो यू नीड टू एक्सेप्ट दैट कि आप वैसे नहीं बन सकते हो जो आप इस ट्रॉमा में जाने से पहले थे. लाइक यू कैन नॉट बी द सेम पर्सन दैट यू वर बिफोर. यू नीड टू बी अ डिफरेंट अ बेटर वर्जन ऑफ योर सेल्फ. आपने वो पुराने वाला मैं अब अपने आप को मैंने वो पुराने वाली समुना बनना है तो मैं वो नहीं बन सकती. मैंने अपनी साइकोलॉजिस्ट को बड़े मज़े की बात है, मैंने उनको कहा कि मेरे में ना वो वाली बात नहीं है. मतलब मैं ठीक हूँ, मैं हैप्पी रहती हूँ, मैं एंगेज्ड रहती हूँ, मैंने अपने आप को बिज़ी किया हुआ है बहुत सी चीज़ों में, लेकिन अब मेरे में वो वाली बात नहीं है जो पहले थी, जो कई साल पहले थी. तो उन्होंने मुझे कहा तुम्हारे में वो बात आनी भी नहीं है, हमने वो बात लानी भी नहीं है. बिकॉज़ दैट वाज वो एक ऐसी लड़की थी जो इस चीज़ से नहीं गुजरी, इस ट्रॉमा से नहीं गुजरी. उसका कोई बच्चा नहीं था, उसके कोई लाइफ के एज सच गोल्स नहीं थे, वो उसमें बचपना था. पर अब जो समूना है वो इस सब से गुजर के थेरेपी सेशंस लेके और यू नो एक लाइफ को एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखने वाली है, तो तुम उसको और वो पुराने वाली समूना को कैसे मिला सकती हो. और मुझे समझ आई कि हाँ यार आप ठीक कह रही हैं, मुझे वो बनना भी नहीं है. आई हैव टू बी अ बेटर वर्जन ऑफ माई सेल्फ. लेकिन फिर भी यू हैव टू कीप फाइटिंग बैक और यू नो जस्ट कीप योर सेल्फ बिजी एंड ऑक्यूपाइड एंड कीप टेलिंग योर सेल्फ कि यार ठीक है, इट्स अ पार्ट ऑफ माई लाइफ, आई विल ओवरकम इट. अल्लाह किसी भी इंसान पे ज़्यादा बोझ नहीं डालता, तकलीफ़ में नहीं उसको डालता. वो ही टेस्ट हमारे लेते हैं जो उनको लगता है कि हम उन टेस्ट को पास कर सकते हैं, हम उन टेस्ट में से गुजर सकते हैं, हमारे वही इम्तिहानात होते हैं. तो कोई भी मसला इतना बड़ा मसला नहीं है अनलेस आप खुद बना लो. तो आई टोल्ड माई सेल्फ कि ओके फाइन, दिस इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ एंड अब हो गया जो हो गया उसको पीछे छोड़ो, अब आगे को क्या है, आगे को देखो. एंड आई नीड टू मूव ऑन, दैट्स समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, मूविंग ऑन टू अनदर क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा आता है कि हाउ डिड यू डील विद पीपल अराउंड यू इन सोशल गैदरिंग्स और ऑल द क्वेश्चनिंग दैट दे यूजुअली डू. और बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं करते सवाल पूछने से पहले. तो मैंने एक आई ट्राइड अवॉइडिंग सोशल गैदरिंग्स फॉर अ गुड अमाउंट ऑफ टाइम और मेरे पेरेंट्स ने, मेरी फैमिली ने मुझे वो स्पेस दी. आई एम वेरी ग्रेटफुल अगेन आई वुड से. मैंने बहुत टाइम तक किसी की शादी ब्याह बर्थडे पार्टीज़ गैदरिंग्स दावतें अटेंड नहीं की और मुझे किसी ने कभी भी इस तरह से फील नहीं करवाया. रियली हैप्पी कि मेरी इस सिचुएशन की वजह से कभी भी किसी ने भी इस तरह की मेरे लिए सिचुएशन क्रिएट नहीं की कि मैं कहीं पर गई हूँ तो मुझे रिग्रेट हुआ हो कि यार ये क्या हो गया है. तो मैं वैसे जब सोशल गैदरिंग्स में जाना स्टार्ट हुई थी तो मुझे ना मेरी पूरी फौज ने बिल्कुल तैयार कर दिया था हर तरह के क्वेश्चंस के लिए और सब चीज़ों के लिए, हर चीज़ को फेस करने के लिए. मेरी जो फौज है ना पूरी, मेरी डॉक्टर और मेरी फैमिली, मेरे बहन भाई, उन्होंने मुझे पूरा तैयार किया हुआ था हर तरह के सवालों के लिए. तो मैं तभी निकली थी घर से बाहर, तो मुझे उस चीज़ को फेस नहीं करना पड़ा. और सेकेंडली जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ थी वो ये थी कि मेरे पेरेंट्स ने एक चीज़ बहुत क्लियरली स्टेट कर दी थी जिसके लिए मुझे बहुत मैं प्राउड फील करती हूँ. अल्लाह ऐसे माँ बाप सबको दे. ऐसी सिचुएशन में से जब बेटियां गुजरती हैं तो उनको आपके सपोर्ट की ज़्यादा ज़रूरत होती है और अगर उनको वो सपोर्ट नहीं मिलता तो ऑब्वियसली वो और एडवर्स इफ़ेक्ट्स उन पे होते हैं जिसका हम सबको ही पता है. जब आपको कुछ नज़र नहीं आ रहा होता कि ज़िंदगी में क्या आगे करें तो इंसान बहुत अजीब अजीब ख्यालात का शिकार हो जाता है. तो मेरे पेरेंट्स ने इस चीज़ को बहुत अच्छे से क्लैरिफाई किया था कि मेरी बेटी से, हमारी बेटी से कोई क्वेश्चन नहीं करेगा, ये चीज़ हो गई है और हमने ये डिसाइड कर लिया कि नाउ वी आर गोइंग फॉर डिवोर्स. और वो थेरेपी ले रही है, वो डिप्रेशन से गुजर रही है, तो डोंट आस्क एनी क्वेश्चन. तो और लिटरली मैं बहुत, मुझे अच्छा भी लगता है कि मेरा कोई भी ऐसा रिश्तेदार नहीं था, कोई दूर दराज का भी रिश्तेदार नहीं था कि किसी ने मुझसे ये चीज़ पूछी हो या मेरे साथ वो अपनी कोई सिंपथीज़ वगैरह शेयर की हों. क्योंकि सिंपथी जब कोई शेयर करता है तो उसकी इंटेंशन अच्छी हो या बुरी, लेकिन वो जो बंदा उस चीज़ से गुजर रहा होता है, जो बंदा हीलिंग प्रोसेस में होता है, उसको उसके ऊपर बड़े बड़े अजीब किस्म के इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, एडवर्स इफ़ेक्ट्स होते हैं और वो उस चीज़ को, उन मेमोरीज़ को दोबारा से रिलीव करता है. तो नोबडी एवर टॉक टू मी अबाउट दैट और मुझे कभी भी वो मौका नहीं मिला कि मैं इस तरह से कर सकूँ, किसी के क्वेश्चंस का मुझे आंसर देना पड़े. तो आई एम रियली ग्रेटफुल अगेन मेरे पेरेंट्स ने एक दे एक्ट
एक्टेड एज अ शील्ड फॉर मी, जो कि हर माँ बाप का फ़र्ज़ होता है, उनको करना चाहिए. और बस वो हर सवाल को ख़ुद फेस करते रहे हैं काफ़ी टाइम तक, उन्होंने मुझे नहीं आगे आने दिया. लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है कि मैं इस मेरी मेंटल हेल्थ इज़ अ लॉट बेटर नाउ, कि मैं ख़ुद भी उन चीज़ों को फेस कर सकती हूँ, सवालों के जवाब दे सकती हूँ इन केस एवरी मेनी बडी आस्क. और हर एक के साथ हर चीज़ शेयर नहीं की जा सकती, लेकिन कई जगहों पर आपको बोलना पड़ता है और वहाँ पे आपको बोलना चाहिए. और ये सेंस आपको तभी आती है जब आप अपने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हो और उसके सोल्यूशन की तलाश के लिए जाते हो. एंड आई वुड से इफ़ एनीबडी इज़ गोइंग थ्रू डिप्रेशन और एनीथिंग लाइक दैट, यू शुड गो सीक थेरेपी. ओके, सो बिफोर वी एंड द वीडियो, आई हैव अ लिटिल मैसेज फॉर ऑल द पेरेंट्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो राइट नाउ. सो टीच योर डॉटर्स दैट मैरिज इज़ अ ब्यूटिफुल थिंग माशाल्लाह, बट इट इज़ ओके टू वॉक अवे वेन इट्स टॉक्सिक. एंड देर इज़ नथिंग ब्यूटिफुल इन टॉलरेटिंग पेन एंड अब्यूज, नो मैटर वट काइंड ऑफ अब्यूज देर इज. एंड एट द सेम टाइम ऑल्सो टीच योर डॉटर्स दैट बींग अनमैरिड, नो मैटर वट द रीज़न इज, is an acceptable lifestyle choice too. And just do not attach your self-worth to your marital status. That's it. Alright जी, so that's about it from today's video. I hope आप लोगों को मज़ा आया हो, आप लोगों के सवालों के जो जवाब थे वो मैं अच्छे से दे सकी हूँ, और मेरी किसी बात से किसी का कोई पास्ट ट्रॉमा या कुछ भी ट्रिगर ना हुआ, बिकॉज मेरी ऐसी कोई इंटेंशन नहीं थी. आई जस्ट वॉन्ट टू शेयर माई एक्सपीरियंस मुख्तसर से मुख्तसर अल्फाज में, किसी को बुरा भला कहे बगैर. आई जस्ट वॉन्ट टू पुट दैट आउट देयर, ज़िंदगी में कभी भी कुछ भी हो जाए और आगे की तरफ देखना है और आगे बढ़ना है इंशाल्लाह. अल्लाह आपके बहुत साथ देगा. और अपनी दुआओं में बहुत याद रखिएगा, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी. और मेरे चैनल को कर दे सब्सक्राइब और दें हम लोगों को ढेर सारा प्यार जैसे आप हमेशा देते हैं बिलाल को और मुझे. मैं आपके प्यार की बहुत ज़रूरत है. आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन. अपना बहुत ख्याल रखें. अल्लाह हाफिज़.